ग्वालियर जिला प्रशासन और जया रोग अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लगातार ये दावे कर रहा है कि यहाँ कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर हैं, मरीजों को अच्छा इलाज दिया जा रहा है। लेकिन सोमवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर की जो तस्वीरें सामने आईं, उसने इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। अस्पताल के बाहर कोरोना मृतकों के परिजन भटकते मिले, किसी को उनके परिजन की डेड बॉडी नहीं दी जा रही तो किसी को कहा जा रहा है कि तुम्हारा पेशेंट भर्ती ही नहीं हुआ, किसी को अचानक कह दिया गया कि मौत हो गई। परेशान परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस सब के बावजूद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन यहां बेहतर व्यवस्थाएं होने का दावा करता रहा। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कुछ और मरीजों की मौत की जानकारी सामने आई। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड जया रोग अस्पताल समूह के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कुछ और मरीजों ने दम तोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रबंधन की गैर संजीदगी सामने आई। मृतक के परिजन डेड बॉडी के लिए भटकते रहे। बस लिस्ट में नाम ही चाय देने आया हूँ, मेरा बेटा भी आया था चाय देने। तो डॉक्टर बैठे, सही जानकारी दो, पेशेंट को अटेंडर को भाई, आपका पेशेंट यहाँ है, एडमिट है, आपके पेशेंट भी यही पेशेंट है। स्थिति बिगड़ रही है, नहीं बिगड़ रही है तो काहे के लिए बोल रहा है यार, अच्छे तो प्राइवेट करवा लेते। बिगड़ रही है, आप ये पेशेंट तो कैसे प्राइवेट करवा लेते। 500-500 लोग निकल रहे हैं। अरे आदमी का जी कह रहा, मर गए वो तो। अरे सर काउंटर पे का अभी कहते हैं भवानी संघ के नाम का कोई नहीं है व्यक्ति, अभी चाहे कोई यही नहीं है, जानकारी दी है, उनकी लिस्ट में नहीं है, आपकी सब लिस्ट में नाम आया। रजिस्टर पर लड़के देखो, 10 तारीख का एडमिट है, 10 तारीख का एडमिट तो हो गया, जानकारी दो क्या मतलब क्या होता है। सर हमारे वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद ये पोजीशन बन रही है, वैक्सीन लगने के बाद ये बोलता, वैक्सीन से पहले बहुत अच्छे थे, सब के खाना खा रहे थे, कैसे सोचा के नहीं खा रहे, वैक्सीन लगने के बाद ये एकदम से ये पोजीशन काटे लगा रहे, वैक्सीन आया है गाली नहीं चला सर भाई, मारे गाली। अरे राम ऐसा कुछ नहीं है तो। हमारे पेशेंट कल हम 12 बजे एडमिट कर गए थे। क्या हुआ सर? उनको कोरोना हुआ था, मुरारा हॉस्पिटल में एडमिट किया था। क्या नाम है? बीरन सिंह चौहान। क्या एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए हैं, सवेरे 10 बजे फ़ोन आया था, उसके बाद हमारे पेशेंट का पता ही नहीं कहाँ है। किसने कॉल किया था आपको? अब जी हॉस्पिटल में मैंने दोबारा हमारे मिस्त्री ने उठाया, उसके बाद मैंने उनको लगाया तो बोले सुपर स्पेशलिस्ट से बोल रहे हैं, उनको डेथ हो गई है, आप ले जाइए आके। जब से हम आए जब से अभी पता नहीं कहाँ हैं। अब क्या बोल रहे हैं अंदर जाकर? अब वो कह रहे हैं अभी वो राजेश जी आएंगे, उसके बाद वो बताएंगे। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनकी 72 है। कहाँ के रहने वाले? ये ठाटीपुर के, इंदिरा नगर। कब भर्ती कराया था? कल कराया था 12 बजे इसी टाइम पे। सर मेरी मदर इन लॉ भर्ती थी, सासू जी मेरी 7-8 दिन से यहाँ पे, आज सुबह 7:30-8 का फोन आया कि बोले आपकी एक्सपायर कर गई, तो हम डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं और तब से भटक रहे हैं, 8 बजे से लेकर अभी 12-2 बजे का टाइम हो गया, कोई सुनवाई नहीं, पता ही लग रहा है कि ख़त्म हो गई हैं नहीं है, या जो भी हमको बता दें कि भैया आपको 2 बजे मिलेगी, 4 बजे मिलेगी, कल मिलेगी बॉडी, हम उस हिसाब से व्यवस्था करें। आप जब से भटक रहे हैं सुबह से, कोई सुनने वाला नहीं ले रहा। बीमार थी मतलब इम्यूनिटी पावर कम थी, अभी कोरोना नहीं था उनका, बाद में उनको कोरोना हो गया, यहाँ सिम्टम्स हो गए यहाँ करके, तो उसमें एक्सपायर हो, चलो कोई भगवान जी जो था अच्छा हो गया, लेकिन कम से कम 65 के आसपास होगी। कहाँ के रहने वाले? नहीं ग्वालियर के, लोकल ग्वालियर की। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूं सर। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कोई सुनने को बता ही नहीं सर, कोई जवाब नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहे। ऊपर उसी में ही थर्ड फ्लोर पर।
समाधिया कॉलोनी में रहता हूँ मैं, और मेरे इनका हॉस्पिटल में कहना है कि आपके पिताजी रात को 1:30 बजे एक्सपायर हुए हैं। उनका कहना ये भी है कि रात को आपको 1:30 बजे कॉल किया गया है, मेरे नंबर पर कोई कॉल नहीं आया अभी तक, मेरे नंबर पर कोई भी कॉल किसी प्रकार का नहीं आया। मैंने पूछा इनसे, क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने किस नंबर से कॉल किया है मेरे को सामने ला के दिखाओ। चलो मैंने मिस कॉल डिलीट कर दिया होगा, आपके कॉल डिटेल में तो आएगा नंबर, नहीं बता रहे। उसके बाद भी ये, मैं सुबह 8 बजे से लेकर खड़ा हूँ यहाँ पे, नाश्ता देने के लिए आया हूँ, नाश्ता नहीं पहुँचा, और रात को पिताजी का मोबाइल रात से ही बंद आ रहा है। 30 तारीख को भर्ती किया हुआ। क्या नाम है आपके पिताजी? कन्हैया लाल भंबानी। कितनी उम्र होगी? 70 साल। कोरोना वाला जी? कब भर्ती कराया था? पहले रैपिड टेस्ट करवाया है तो पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद जो गले का टेस्ट करवाया है उसमें नेगेटिव आए हैं, नेगेटिव की रिपोर्ट भी आएगी। अब क्या बोल रहे हैं आप? अभी भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि बॉडी कहाँ है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बॉडी अभी गायब कर दी है? हाँ, कोई चीज का रिप्लाई नहीं है, कोई जिंदा है कि मर गए। उल्टा ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो कन्हैयालाल भर्ती हैं। हाँ, एक ही नंबर जो टेस्ट हुए हैं, एक ही नंबर पे तीन नंबर अपडेट है, एक ही पेशेंट पे तीन नंबर अपडेट है। उसमें मेरे पिताजी का नंबर नाम पे भी सामने वही नंबर अपडेट है, मैं नंबर बता देता हूँ आपको। सुबह ये लेने भी आए? बताइए। और सुबह वो पेशेंट को लेने आए हैं घर से? ये सुबह पेशेंट को लेने आए हैं कन्हैयालाल जी को घर से लेने आए हैं कि पेशेंट कहाँ है? हाँ, इनको ये नहीं पता कि सैंपल कहाँ से लिया गया, कहाँ से नहीं लिया गया, जबकि पेशेंट 15 दिन से पहले हॉस्पिटल में एडमिट है, 15 दिन पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको यही जानकारी नहीं है हॉस्पिटल वालों को, कोई नहीं आया अभी तक, कोई रिस्पांस नहीं है। सारे डॉक्टर देखिए, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, कुछ सारे डॉक्टर भग गए। मेरे सर एडमिट हैं तो कल से बात नहीं हो पा रही, 12 बजे से कॉल रिसीव नहीं हो रहा। क्या नाम है? राकेश कुमार जैन। मैं इनको कोरोना हुआ था, मैं यहाँ के बराबर खाना पीना सुबह शाम दे रहा हूँ, जा रहा है, अभी कह रहे हैं एक्सपायर हो गए, मतलब कोई वही नहीं है। तो बॉडी नहीं, कुछ बता नहीं रहे हैं। आपके सर क्या करते हैं? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनकी फैमिली से कोई नहीं आया? नहीं आ रहे हैं, मैंने फ़ोन कर दिया है, मतलब यहाँ, लेकिन कोई वो नहीं है। नाम क्या उनका? राकेश कुमार जी। उम्र कितनी होगी? उम्र 48। कहाँ के रहने वाले हैं? दीनदयाल नगर। आप अपना नाम द्वारा बताइए। गोपी सर। किसने बताया कि डेथ हो गई है? यहाँ रिसेप्शन पर बताया। बोला था आपको? डायरेक्ट? नहीं नहीं, डायरेक्ट बताया, मैं यहीं बैठा हुआ था तो कल से बात नहीं हो रही, इसलिए मैं यहीं बैठ गया था आगे। क्या बोल रहे हैं? अब तो सब गायब ही हो गए वहाँ से। हाँ, अब कोई है ही नहीं अभी वहाँ पे। देखने नहीं दिए जाने के कोई निर्देश नहीं है, शासन द्वारा निर्देश नहीं दिया गया है कि मरीज के अटेंडेंट को कोविड वार्ड में अलाउ किया जाए। अगर मरीज के अटेंडेंट को कोविड वार्ड में अलाउ करेंगे तो उनको भी कोविड होने का खतरा है, इसलिए उनको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। रही बात जानकारी की, तो ICU में जितने मरीज हैं उनके परिजनों को जानकारी दी जा रही है, ICU के बाहर के जो मरीज हैं उनके परिजनों को वो डायरेक्ट फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं जो सुशीला नामक एक महिला है उसकी डेथ हुई है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, वो कह रहे हैं बॉडी नहीं है हमारे यहाँ। नहीं नहीं, बॉडी अवेलेबल है, बात हो गई उनके अटेंडेंट से, अभी बॉडी हैंड ओवर करेंगे तो चेहरा दिखा के बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। आरोप है मरीज के परिजनों का, आरोप है कि डेड हाउस में बॉडी पहुँचने के बाद जो जानकारी उनको दी जा रही है, तो ये क्या किस तरीके से? नहीं, डेड हाउस के इंचार्ज दूसरे हैं, उनसे बात करके पता करना पड़ेगा। डेड हाउस में भविष्य में क्या व्यवस्था करेंगे जिससे मरीज के परिजनों को सैटिस्फाई रहे? नहीं, व्यवस्था पूरी है, ICU के मरीज जितने भी है उनको डेली जो है हमारे यहाँ से कॉल करके इन्फॉर्म किया जाता है। ICU के बाहर जो मरीज है उनको जानकारी उनके परिजन खुद फोन करके ले सकते हैं। कुछ परिजनों का कहना है कि अंदर पानी पिलाने की भी सुविधा नहीं है, अटेंडेंट की कमी अंदर, और बाहर से रजाइयां भी दे रहे हैं, वो खाना भी बाहर से जा रहा कुछ कुछ। अब देखिए देखिए, अंदर क्या व्यवस्था नहीं है? यहाँ से खाना हमारे यहाँ से सुबह शाम दिया जा रहा है, मरीज को अगर अपना खाना भेजना है तो वो अलाउड नहीं है, फिर भी किसी की इमरजेंसी होती है तो हम भेज देते हैं, खाना हमारे यहाँ से दिया जाता है, बाहर का अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ परिजन हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हम भेज देते हैं, लेकिन ये नियम नहीं है कि यहाँ से भी हम 100 पैकेट भेजें और मरीजों के भी 100 पैकेट भेजें। खाना का वेस्टेड होता है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, अननेसेसरी। एक अटेंडेंट सुबह से बैठा हुआ, उसको भी उसके पिताजी की जानकारी दी गई है। कौन से प्रतिदिन जो ड्यूटी डॉक्टर हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो 11 बजे से 1 बजे तक हर मरीज की 1-to-1 फेस टू फेस जानकारी देते हैं और दी जा रही है। इसमें मुख्य समस्या जो थी कि 3-4 परिजनों के उन्होंने बताया कि डेड बॉडी रखी है और हम लोग काफ़ी देर से परेशान हैं, तो उसमें अभी तक चार लोगों ने ऐसा मेरे को बताया कि सुबह से खड़े हैं और एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। तो एम्बुलेंस का पता किया तो ऑलरेडी वो 4 डेड बॉडी को लेके शमशान गई है, और मैंने वहाँ के प्रभारी थे कुलदीप दुबे तहसीलदार, उनसे बात की तो वो एम्बुलेंस रवाना हो गई है। अब अगर एम्बुलेंस 1 की जगह 2 हो जाए तो ऐसी व्यवस्था, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मतलब डेड बॉडी की वेटिंग के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी समय पड़ रहा था। नई बात सामने आई है तो हम जो है वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि एम्बुलेंस अगर एक और बढ़ जाए
तो उससे जो है कि ये इस तरह की परिस्थिति ना आए कि बेड क्या बताइए डॉक्टर ने कितने लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर। नहीं अभी तो तीन चार परिजनों से मेरी बात हुई तो उनके वो वेट कर रहे हैं और उस वेट के कारण जो है उनको मतलब उनके परिजन की डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है तो उसको जल्दी भविष्य में दिलाने के लिए कुछ और इसमें जो सुधार हो सकते हैं वो हम कलेक्टर महोदय से और जो यहाँ के डी मतलब वो हैं जे एच के सुपरिटेंडेंट ढाकर साहब उनसे चर्चा करके जो है इसको निराकरण करने का आने का इसी में ड्यूटी आ रहे हैं डॉक्टर। नहीं इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा तो ठीक।